महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रिवॉल्विंग फंड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष पूनम शर्मा ने की। इस दौरान आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को 10,000 रुपए की राशि वितरित की गई। नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रिवॉल्विंग फंड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को 10,000 रुपए की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में 20 समूहों को 2,00,000 रुपए वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष पूनम शर्मा ने बताया कि हर वार्ड में इस तरह के समारोह का गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत महिलाएं समूह के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने भी स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। समारोह में समूहों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ये प्रोग्राम जो हमने रखा है इधर एनुअल स्कीम का, इसमें जो हमारी महिलाएं जो मतलब अपने घर में जो थोड़ा मोटा छोटा मोटा कारोबार करना चाह रही है, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है एनुअल स्कीम, इसके तहत जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें महिलाएं जो है मतलब अपना छोटा मोटा कारोबार, जैसे अपनी कुछ जीविका कमाना चाहती हैं, उसके लिए जो है सरकार भी बैंकों की सहायता से उनकी जो है मदद करना चाह रही है। उनके मतलब बैंकों से जो है उनको लोन वगैरह मतलब कम दर पे दिया जा रहा है, इसकी वजह से ताकि ऐसे है जो बेरोजगार महिलाएं हमारी वो भी छोटा मोटा अपना छोटा मोटा कारोबार खोल सके और अपनी जो है थोड़ी सी जीविका कमा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम आज का जो है रखा गया। थैंक यू।